कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर, तो इस मुसलमान गुलाम हो जाए ये हो नहीं सकता है, ये उसके अकीदे में शामिल है कि वो गुलाम रह नहीं सकता है। तो ये ऐसी शख्सियत थे, सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, दीन के अंदर मुत्तकी परहेजगार शख्सियत थे। मालूम पड़ गया कि ऐसे बादशाह ही नहीं, ये एक वली भी है और ये जाहिद है। यहाँ से लेकर आंध्रा से लेकर यहाँ तक के उन्होंने पूरे अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर मद्रास तक उनको खींच के ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यशर्ली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस हफ्ते वारी दरसे कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में आज इसे एक दीनी दर्स तो नहीं कहेंगे इसको कि एक दीनी दर्स है, लेकिन चूँकि हम आज़ादी की 70 साल हमको हो चुके हैं और 70वीं वर्षगांठ हमने मनाई है और आज़ादी आने वाली है, और इस दिन को हम देखते हैं कि ज़ोर शोर से मनाया जाता है, और हम जानते हैं कि आज़ादी के अंदर सारे हिंदुस्तान के लोगों ने इसमें आज़ादी में हिस्सा लिया है, अपना खून बहाया है, चाहे वो किसी भी कौम के रहे हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, सब ने इसके अंदर जो जो भी तबकात या जितने जो लोग रहते थे वो सभी ने अपने अपना हिस्सा इसके अंदर दिया है। किसी ने जो है माल इसमें लगाया है, किसी ने अपनी जान लगाई है, और सब तरह से इसके अंदर जो है इन्होंने लगाकर आज़ादी को हमने पाया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसके अंदर राजनीति, नफ़रत की राजनीति इतनी दाखिल हो चुकी है कि लोगों को इससे नफ़रत की राजनीति से बांटा जा रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों का इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ जो आज़ादी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक कम्युनिटी ने इसको आज़ादी को, हमने इसके लिए संघर्ष किया, हमने इसके लिए खून बहाया है और हमने जो इस आज़ादी को पाया है, और इनका कोई हिस्सा नहीं है। और हिस्ट्री को बदला जा रहा है, एक नई इतिहास लिखा जा रहा है जिसके अंदर इन सब चीज़ों को मिटाया जा रहा है कि इनका कोई हिस्सा नहीं है, जबकि हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि इसमें कई नाम मुसलमानों के, एक नहीं दो नहीं ये 100 नहीं, हजारों से मुसलमानों के नाम इसमें शामिल हैं जिनकी आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी जानों को कुर्बान किया और इस वतन के लिए वो शहीद हुए हैं, और हमको आज़ादी की चेन के साथ साथ जो हम ले रहे हैं। और ये मुसलमानों की जो तारीख थी, मुसलमानों का जो इतिहास था, जो इसकी हिस्ट्री थी, ये पहले बाकायदा स्कूलों के कोर्सेस में शामिल हुआ करती थी, बच्चों को उसको पढ़ाया जाता था। अभी से 20-30 साल पहले का, 20 साल का ही पहले का मामला आप ले लें या कोर्स उठाकर आप देखें लाइब्रेरी पर जाकर, तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि मुसलमान के बारे में उसको बताया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि ये लोग इन्होंने आज़ादी में अपनी जान दी है और इन्होंने शहादतें पाई। लेकिन अब जो है मामला बिल्कुल बदल गया है लोग, और दूसरी वजह ये भी है कि मुसलमान जो जिनको चाहिए कि अपने आबाओ अजदाद के बारे में वो जाने और इतिहास को पढ़े, क्योंकि ये बात फैक्ट है जिस तरह कहा जाता है कि जिसने अपने हिस्ट्री को भुला दिया, अपने आबाओ अजदाद को भुला दिया, अपने बाप दादा को जिन्होंने भुला दिया, तो उनका नामोनिशान भी मिट जाता है, वो लोग फिर नहीं रहते, क्योंकि वो ऊपर देखते हैं तो उनका ताल्लुक ही कहीं से नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि हम बिल्कुल नए हैं। तो ये वजह है कि आज मुसलमान उसको पढ़ते नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो धीरे 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 उसको मश्क किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और अभी से अगर हम देखते हैं तो 20-30 साल पहले आज़ादी की दास्तान स्कूलों के अंदर, उसके अंदर सभी लोगों की सुनाई जाती थी, दास्तानें बयान की जाती थी, और इसी तरह टीवी सीरियल्स हम देखें तो कई टीवी सीरियल्स इसके ताल्लुक से बने, जो जिसके अंदर मुस्लिम लीडर्स उनके ताल्लुक से बनाए गए और उनके बारे में बखान किया जाता था और किताबों के अंदर पढ़ाया जाता था। और हम देखते हैं 26 जनवरी की झांकियों के अंदर उनके पुतले लगाए जाते थे, जैसे टीपू सुल्तान का आप देखें, आप सर्च करें आप गूगल पर, आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर टीपू सुल्तान का लगाया जाता था, अब्दुल कलाम आज़ाद उनके लगाए जाते थे, कई मुसलमानों के उसके अंदर
बताया जाता था कि इसके जरिए से कि देखो इन्होंने आज़ादी में जो है कारनामे किए। लेकिन और इसको हम देखें तो इतिहास में अगर हम जाएं तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तमाम मुसलमानों के बारे में, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, औरंगज़ेब हो, सभी के बारे में उन्होंने बताया कि इन्होंने आज़ादी में क्या कारनामे किए, क्या हिस्सा उन्होंने लिया। और उसके अंदर रज़िया सुल्तान है, इस तरह मिर्ज़ा गालिब है, अमीर खुसरो, ये सब की हिस्ट्री हम देखते हैं, टीवी पर आया करती थी, बताया जाता था लोगों को, बाकायदा इनके बारे में होता था और कई सूफी बुज़ुर्गों के दास्तानें सुनाई जाती थी स्कूलों के अंदर भी, और लोग इस तरह से इसको बयान किया करते थे। और अब जो है सबको ख़त्म किया जा रहा है, क्यों? लोगों के दिलों से निकाला जा रहा है कि इनका कोई हिस्सा नहीं है, जो कुछ किया हमने किया है, मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है, और उनकी शख्सियत को जो है ख़त्म किया जा रहा है। और उन्हीं के एक शख्सियत के अंदर जिसको हम जानते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आज़ादी के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने वाकई ऐसी जंग लड़ी है जो सिर्फ आज़ादी के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी टीपू सुल्तान ने, और जो शुरू इन्होंने किया था वो इनके बाप हैदर अली ने इसको जो शुरू किया था। तो जंग आज़ादी के अंदर इन्होंने सबसे पहले अगर किसी ने तलवार उठाई है तो सबसे पहले जो ऐलान किया था वो सिराजुद्दौला ने, वो सबसे पहले जो आज़ादी के लिए फतवा जो दिया है वो भी जो है दिल्ली से फतवा दिया था, और उसके अंदर वो भी मुसलमान थे, उन्होंने भी जो है देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले इसके अंदर फतवा दिया था कि हम ग़ुलाम हो चुके हैं, और इस्लाम ये है कि इस्लाम आया किस लिए है, ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए आया, तो इस मुसलमान ग़ुलाम हो जाए ये हो नहीं सकता है, ये उसके अकीदे में शामिल है कि वो ग़ुलाम रह नहीं सकता है, ये उसके अकीदे के अंदर शामिल है। तो सबसे पहले उन्होंने फतवा दिया था कि हम ग़ुलाम हो चुके हैं, और सब मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज हो चुका है, तो जिहाद सबसे पहले हिंदुस्तान में लड़ा गया वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा गया, सबसे पहले फतवा उन्होंने दिया था। तो ये जो है टीपू सुल्तान के अंदर अहम रोल रहा, और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को निछावर किया और इसमें शहादत इन्होंने पाई। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि टीपू सुल्तान के बारे में कि क्या इनकी सवान हयात, क्या इनकी ज़िंदगी रही, क्या मरहले रहे, किस तरह से इनके मामलात रहे, कैसी से उन्होंने सल्तनत यहाँ पर की, क्या ये यहाँ हिंदुओं के ख़िलाफ़ थे या सिर्फ यह मुस्लिम सल्तनत यहाँ कायम करना चाहते थे, तो इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत है। और ताकि हम इस वीडियो को भी हम मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि वाकई है क्या, क्योंकि इसके ताल्लुक से भी हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान का जो वर्षगांठ उनका जन्मदिन मनाया जाता था उस पर भी अभी हम देखते हैं कई सालों से बार बार विवाद उस पर होता है, जबकि कई इतने सालों से बनता आ रहा। तो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से आता है, टीपू सुल्तान 1750 में आंध्रा के अंदर दीवानापल्ली एक गांव है वहाँ पर टीपू सुल्तान पैदा हुए। इनका नाम टीपू जो रखा गया वो टीपू इसलिए रखा गया कि इनके जो वालिद थे हैदर अली, वो उनके कोई पीर थे जिनका नाम टीपू मस्तान था, ये कहा जाता है कि उन्होंने उन्हीं ने उनसे नाम तलब किया और या उन्हीं के नाम पर उन्होंने उनका नाम टीपू रखा। वैसे इनका असल जो नाम था वो फ़तेह अली था, इनका नाम असल फ़तेह अली था लेकिन टीपू के नाम से मशहूर हुए। और हैदर अली जो इनके बाप थे वो टीपू सुल्तान के भाई थे, इनके दो बेटे थे जिसके अंदर एक टीपू सुल्तान थे और दूसरे जो है करीम अली शाह, ये दो इनके बेटे थे। टीपू सुल्तान जो है सल्तनत खुदादाद, ये जो हैदर अली ने सल्तनत कायम की थी, जैसे सल्तनत का नाम होता है तो उन्होंने इस सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद इसका नाम उन्होंने रखा था, और इसके अंदर इन्होंने तरबियत पाई और ये इल्म के दोस्त थे, यानी इल्म हासिल करने से इनकी इतनी दोस्ती थी कि इल्म इन्होंने तमाम बहुत सारे शोबों का इल्म इन्होंने हासिल किया, और कई बोली कई लैंग्वेज को ये बोला करते थे। इनके ताल्लुक से आता है, इनके हैदर अली के ताल्लुक से भी आता है कि वो तकरीबन इनके वालिद जो थे वो 7 लैंग्वेज बोला करते थे, हालांकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो लिख पढ़ते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जो है 7 बोलियों का इल्म रखते थे। और इसी तरह इनसे भी आता कि इससे भी कहीं ज़्यादा बोलियाँ टीपू सुल्तान जो है बोला करते थे, और धार्मिक ग्रंथों का यानी सिर्फ इस्लाम का ही नहीं जो मजाहब दूसरे हैं उन मजाहब का भी वो इल्म रखते थे, उनके बारे में भी वो जानकारी रखते थे। और एक इंतहाई मुत्तकी परहेजगार शख्सियत थे, मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे। और जब ये पैदा हुए तो तब से हैदर अली तरक्की करते गए, फतेह करते गए और अपनी सल्तनत को बढ़ाते गए, और सल्तनत के अंदर खुशहाली भी बढ़ती गई।
तो वो इसको जो है वो कहते थे कि मेरे लिए अच्छा शगुन है। इस्लाम के अंदर शगुन बस शगुन लेना, तो शगुन अच्छा शगुन लेना जायज़ है, अच्छा शगुन लेना जायज़ है, लेकिन बुरा बस शगुन ही लेना ये इस्लाम के अंदर हराम है। कि किस चीज़ से कि भाई ये बिल्ली रास्ता काट गई, ये दूध उफन गया, कांच टूट गया, तो ऐसे बदशगुन ही लेना इस्लाम में हराम है, लेकिन अच्छा शगुन लेना जायज़ है। उसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम कई वाक़यात मिलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने एक बार जो एक जंग का मार्का था उसके अंदर एक सहाबी आए जिनका नाम जो है सुहेल था, तो अल्लाह के रसूल ने खुद ने कहा कि हाँ, बोले अब ये जो है मामला सुलह हो जाएगा, हम इससे फतेह हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सुहेल आ गए, सुहेल से सहेल यानी सुलझ जाएगा, तो उसमें लिया जाता। तो ये जो है इन्होंने ये शगुन लिया करते थे कि जब से टीपू सुल्तान पैदा हुए जो है मेरी इसमें तरक्की हुई और लोग जो इसके अंदर हुए, और इसके अंदर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जब हैदर अली बादशाह थे तब अंग्रेज़ों को उन्होंने दो बार उनसे जंग हुई, जिसमें एक जंग हैदर अली ने लड़ी, उसके बाद दूसरी जंग के अंदर टीपू सुल्तान साथ में थे, और उसके लेकिन ये हैदर अली जब बीमार हो गए और उन्होंने फिर वो जंग को अकेले उन्होंने किया। इस तरह हैदर अली की वफ़ात के बाद एक साजिश के तहत, यानी कई लोग चाहते थे, क्योंकि हैदर अली के दो लड़के थे, एक टीपू सुल्तान एक करीम अली शाह, तो वो चाहते थे कि लोग जो करीम अली शाह को तख्ते पर बिठा दें, क्यों? क्योंकि वो जो वो ये जो थे ये थोड़ी जहनी मरीज थे, यानी इनके जहन में कुछ प्रॉब्लम थी, इनके भाई थे, लेकिन ये चाहते थे कि ताकि इसी को बिठा दे ताकि वो हमारे इशारों पर चलता रहे। तो उन्होंने एक साजिश की, लेकिन ये टीपू सुल्तान को खबर लगी, टीपू सुल्तान ने सारे लोगों को कैद कर सल्तनत को ले लिया और ये बादशाह उस पर बन गए। और उसके बाद इन्होंने एक तकरीर की, उस वक्त से उन्होंने जिस तरह से हम आज देखते हैं कि शपथ दिलाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई मंत्री बनता है या जो जीत कर आता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि मैं ये काम करूँगा, हालांकि वो करते नहीं, उसके लिए वैसा काम तो होता नहीं, सिर्फ वो जुमले होते हैं कह देते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है इस तरह से एक शपथ ली और कहा कि मुसलमानों के दीन के लिए और अखलाक की और इस्लाह के लिए मैं खुसूसी कदम उठाऊँगा, उनको अखलाक के लिए और दीन के लिए खुसूसी कदम उठाऊँगा, अंग्रेज़ों को इस देर से बाहर करने के लिए जो मेरे हकीकी दुश्मन है, यानी वो हकीकी दुश्मन इनको माना करते थे कि जो मेरे हकीकी दुश्मन है उनको पूरी हुकूमत को मुत्तहिद करूँगा कि इनसे लड़े, और गरीब और मजलूम और जो लोग हैं उनको जमींदारों से निजात दिलाऊंगा, जिस तरह पुराने वक्त में हुआ करता था मामला, जमींदारी हुआ करती थी और लोग उस पर जुल्म करते थे, तो वो उन्होंने इसमें शामिल किया। इसी तरह जो अदल और इंसाफ के साथ सारे इंसानों के साथ एक सा सलूक करूंगा, यानी उसके अंदर ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, इनके साथ में मैं अलग अलग फैसला नहीं करूँगा, सबके साथ में एक साथ मामला करूँगा, और मुसलमानों के अंदर तबकाती निज़ाम और इसी तरह फ़िरका वारियत को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यानी उस वक्त से वो जाना करते थे कि मुसलमान के अंदर जो फ़िरका वारियत पड़ गई, अलग अलग ग्रुप बन गए, तो इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा और उम्मत को मुत्तहिद करूँगा। तो ये ऐसे बादशाह थे कि आम बादशाह नहीं थे, जिस तरह से हमने देखा कि आम बादशाह जो मुस्लिम बादशाह भी हुए, लेकिन एक आम बादशाह थे, सिर्फ उनकी बादशाह थी, लेकिन ये एक अलग बादशाह थे जिसके ताल्लुक से हमको जानना ज़रूरी है। ये जब सुल्तान बने तो खजाने में इनको हैदर अली के बाद में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए इनको जो है उसमें मिले, उस सल्तनत के अंदर मिले। अब 7.5 करोड़ तो हम देखते हैं कि आज हमारे पास में कई मोहल्लों के अंदर ही लोगों के पास में मिल जाता है, लेकिन उस वक्त का सोचे कि 7.5 करोड़ उस वक्त कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी, मतलब आज अरबों खरबों की वो, तो ये उनको उसमें मिली। वो पहली लड़ाई इन्होंने जो लड़ी थी टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली के साथ इन्होंने लड़ी, दूसरी लड़ाई के अंदर हैदर अली बीमार हो गए तो टीपू सुल्तान ने उस जंग को अंग्रेज़ों से अकेले लड़ा, और इतना उन्होंने लड़ा कि यहाँ से लेकर आंध्रा से लेकर यहाँ तक कि उन्होंने पूरे अंग्रेज़ों को खदेड़ खदेड़ कर मद्रास तक उनको खींच के ले गए, और मद्रास तक जाकर उन्होंने वहाँ पर उनको खदेड़ा, और अंग्रेज़ जो है डर के मारे झांझ के अंदर सारे छुप गए, यानी वहाँ तक इनको जो उन्होंने खदेड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पर जब वहाँ पर ये रह गए, यानी इतने दूर निकल गए थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मराठा और इसी तरह जो हैदराबाद के जो नवाब थे ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों को इन्होंने पनाह दी, और उसके बाद ये जंग चलती रही, यानी तकरीबन 1780 से लेकर 1786 तक ये जंग चलती रही। उसके बाद ये सुलह पर ख़त्म हो गई, यानी क्योंकि उसके बाद उन्होंने साथ दिया, तो जब अपना ही खुद लोग साथ देते हैं तो फिर उस जंग को जीतना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद में एक सुलह हुई, उस सुलह के अंदर जंग को ख़त्म कर दिया, तो 6 साल तक ये जो है जंग चली। फिर सल्तनत को फ़रोग देने के काम में ये लग गए कि जब सुलह हो गई कि अब जो है इस तरह से मामला नहीं होगा,
एक दूसरे से कोई जंग नहीं करेगा। तो पीस जब हो गया तो उसके बाद ये मुल्क को जो है उसके अंदर फरो देने में लग गए। कूर एक इलाका था उस वक्त के अंदर, आप देखिए किस तरह से काम किया करते थे। कूर एक इलाका था, उसके ताल्लुक से था कि वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने लिखा इनके सामने कि यहाँ की जो औरतें हैं ये जो है भराना घूमती है, यानी जो लिबास या तो ऊपर का लिबास नहीं पहनती है या फिर जो है ऐसे ये घूमती है। तो इस तरह का मामला यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आवाम को आप समझाओ, उन्होंने फिर खत लिखा कि उनको समझाओ। किस तरह समझाओ, अगर ये मजहबी तौर पर करते हैं तो मज़हब इनका मैंने भी पढ़ा है, इनके मज़हब में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इस तरह से जो है मामला किया जाए और बरहाना घुमा जाए, नंगा घुमा जाए। तो इनको तुम समझाओ, उनको बैठ कर इनसे गुफ्तगू करो और नहीं माने तो फिर सख्ती करो, क्योंकि वो मज़हब का इल्म भी रखते थे। अगर मज़हबी है तो भी इनको समझाओ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और बेहयाई है। तो उन्होंने कहा या तो इनको सख्ती से समझाओ। और इन्होंने सती प्रथा जो हम देखते हैं कि बाद में राजा राम मोहन राय ने उसके लिए जो कोशिश की और उसकी तरफ पूरी तरह ख़त्म किया, वो इन्होंने इनके इलाके के अंदर इसको ख़त्म कर दिया था। इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था क्योंकि ये एक धार्मिक हिस्सा था, लोग इसको मानते थे और शोहर के साथ में बीवी को जो जला दिया करते थे। तो इन्होंने उसको ख़त्म किया। और इंसानी बलि जो हम देखते थे कि ये पहले मशहूर था, इंसानी बलि भी जो है देवताओं को चढ़ाई जाती थी हिंदुस्तान के अंदर, उस प्रथा को भी इन्होंने जो लगाम लगाई उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। और इसी तरह ये संस्कृत के अंदर भी माहिर थे, वेदों का और सभी किताबों का इल्म रखते थे। और बादशाह बने, जब ये इनको बादशाह बने तो सबसे पहले इन्होंने जो काम किया कि शराब के जितने अड्डे थे सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया, सब शराबों के अड्डे को इन्होंने ख़त्म किया। और जबकि ये और सजा दी, जो शराब बनाते थे और लोगों को देते थे उनको सजाएँ भी दी। और तकरीबन इनको उससे उस वक्त में इनको 1 करोड़ सालाना इनकम थी शराब के ऊपर से, यानी जो टैक्स उससे आता था तो इनको इतना इनकम उससे मिलती थी। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इनसे कहा कि हमारी सल्तनत की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और उस वक्त के दौर में 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम हुआ करती, तो कितनी तुम्हारी इनकम है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई दूसरा काम करूँगा कि मैं उसकी वजह से जो है दूसरी तरीके से हम इनकम शुरू करेंगे, लेकिन इसको बंद किया जाएगा। और इन्होंने उस शराब को बंद किया कि अब, और कहा कि अब जो शराब पिएगा, अब जो शराब पिएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सजा दी जाएगी, घर के अंदर 4 पेड़ लगाए, उस पेड़ की वो रखवाली करे और उसको जो है खाद पानी दे, उसको बड़ा करे, जिसमें 2 आम के पेड़ और 2 उसकी मर्जी से लगा सकता है, 4 पेड़ उसको लगाने पड़ेंगे। ये सजा आप कैसी दी उन्होंने, ताकि मुल्क की तरक्की भी हो, हर घर के अंदर फल फ्रूट जो है आए। और इसी तरह हम देखते हैं कि आज मशहूर है मैसूरी आम, जो इन्होंने इतने जो लोग जो शराब पीते थे और इसकी वजह से लोगों ने आम के दरख्त लगाए, तो आज मशहूर है मैसूरी आम जो है लोग खाते हैं। और ये किसानों को जो कहा करते थे कि तुम दिन में खेती करो और रात के अंदर आकर तुम हमारे यहाँ कर फौज के अंदर सिपाही से ट्रेनिंग लो, ताकि वक्त ज़रूरत जब हमारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम भी लड़ने में शामिल हो। तो किसानों को उभारा करते थे कि दिन में तुम काम करो, रात में आकर तुम जो है फौज के अंदर शामिल रहो, उसके अंदर जो उनसे सीखो, ये फन सीखो, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो काम आए। तो इस तरह से काम किया था। और मराठा से जो है इनकी जंगें हुई, मराठा से इनकी 3 बार इन्होंने जंगें लड़ी, मराठा से 3 इनकी जंग हुई, और सब के अंदर जो है अल्लाह ने इनको फतेह दी, सब के अंदर ये जीत हुई इनकी। और उसके अंदर उसके बाद में फिर मराठा 3 बार लड़ने के बाद में फिर कभी भी अकेले इनसे लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, फिर वो इनसे लड़ नहीं पाए। और इसी जंग के अंदर एक वाक्या भी मिलता है कि एक नदी थी जिसका नाम था तुंगाभद्रा नदी। तुंगाभद्रा नदी के अंदर क्या हो गया कि तूफान आ गया, और उस साइड जो इनको जाना था, ये पूरी फौज को लेकर इधर खड़े और उधर जाना था इनको, लेकिन ये जा नहीं पा रहे थे क्योंकि तूफान इतना आ गया, उसके अंदर नदी के अंदर एक दरिया था बड़ा, उसमें तूफान आ गया। तो इन्होंने जो है, क्योंकि ये दीन का इल्म भी रखते थे, तो इन्होंने अम्र बिन आस का एक वाक्या इनको याद आ गया कि जब अम्र बिन आस जब मिस्र के अंदर फतेह करने गए थे, मिस्र उन्होंने फतेह किया, उसके बाद वहाँ पर एक रिवाज था कि वहाँ पर क्या करते थे, एक कुंवारी लड़की को जब बारिश वगैरह नहीं होती या पानी में जो नदी जो होती थी उसके अंदर पानी नहीं होता था, बहती नहीं थी, तो वो क्या करते थे मिश्री लोग के एक कुंवारी औरत को लाते थे और उसके अंदर बलि दे दिया करते थे, तो उनकी वो नदी शुरू हो जाया करती थी, ये उनके मानना था। तो अम्र बिन आस जब वहाँ पर गए तो उन्होंने इसको बंद कर दिया, बोले ये पानी देना नहीं देना बरसाना अल्लाह का काम है, ये किसी के कुंवारी लड़की के इसके अंदर बलि देने से डालने से नहीं होता, तो उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में ये हुआ कि वो जैसे ही उन्होंने ख़त्म किया तो उसके बाद नदी सूखने लगी, जबकि जो है नील नदी सूखती नहीं उससे पहले, और आज बहुत बड़ी पूरी इकनॉमी जो है उनकी इसी नदी पर टिकी हुई है। तो उस वक्त वो नदी सूखने लगी, तो 1 बार हुआ 2 बार हुआ सूखने लगी, तो लोगों ने आकर कहा देखो आपने उसको अमल को बंद कर दिया जिसकी वजह से नदी सूख रही है।
تو عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو خط لکھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے حضرت عمر نے ایک خط ان کو لکھا، وہ خط کے ساتھ میں لکھا کہ اس خط کو اس نیل ندی کے اندر ڈال دینا۔ انہوں نے خط دیکھا، اس کو پڑھا، وہ نیل ندی کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ خط ڈالا تو وہ ندی پھر سے بہنے لگی اور اس میں پانی بہت سارا، پھر عفان پر پانی آ گیا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا تھا کہ تم نے خط اس کے اندر ڈالا اور اس سے جو ہے ندی بہنے لگی؟ تو بولے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے ایک خط لکھا، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نیل ندی تو اگر اللہ کے حکم سے بند ہے تو پھر تو بند رہنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہو تو پھر جاری ہونا، لیکن اگر تو خود سے بند ہو گئی ہے، کسی وجہ سے بند ہے، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے تو جاری ہو جا۔ تو جب یہ اس ندی کے اندر خط کو ڈالا گیا جالی، کیونکہ اللہ جو ہے صرف معجزات جو ہوتا ہے، کرامات ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف رسولوں کو اور انبیاء کو ملتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو، ولیوں کو بھی معجزات دیتا ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ معجزات خود سے نہیں کر سکتے، اور معجزات کرنے والے کہتے نہیں کہ میرے پاس میں معجزات، وہ معجزات ان کے خود بخود سرجد ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے سے معجزہ ہوا ہے۔ تو یہ بات جب ان کو یہ واقعہ ان کو معلوم تھا ٹیپو سلطان کا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو جا کر انہوں نے کیا کہ ندی کے وہاں پر کنارے پہ گئے اور جا کر یہ پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور جیسے جیسے یہ دعا کرتے تھے وہ موجے دھیرے دھیرے ہوتی گئی، وہ طوفان تھمتا گیا، اور پوری دعا انہوں نے ختم کی تو پورا جو ہے وہ وہاں پر شانتی ہو گیا، امن ہو گیا پورا، وہ ندی پوری ٹھہر گئی، اس کے بعد یہ وہاں سے پھر آگے بڑھے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا معاملہ تھا کہ یہ متقی پرہیزگار شخص بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ بالکل صرف ایک بادشاہ ہی تھے۔ اور اس کے بعد میں یہ جو ہے کارنامہ لوگوں کو بھی معلوم پڑا، تب لوگوں نے ان کو اور سمجھا کہ واقعی یہ جو الگ شخصیت ہے۔ اس کے بعد پھر مراٹھا سے ان کی جنگ ہوئی، اس کے بعد تو وہاں سے مراٹھا اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، تو وہ وہاں پر رہ گئے تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان نے ان کو پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو پھر گھوڑوں پر ان کو سوار کیا، اور کئی کپڑے اور تحفے دے کر واپس ان کے ملک انہوں نے بھیجا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ مراٹھا سے بالکل اسی جو ہے ان کی جانی دشمنی تھی، کیونکہ صرف وہ جو ان سے لڑتے تھے، تو اس وقت کی جو لڑائی ہوئی تو یہ ایسا وواد نہیں ہے کہ ہندو مسلم والا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بادشاہ تھی، ہر بادشاہ کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی جو ہے سلطنت کو بڑھائے، اس کے لیے جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو جتنی بھی لڑائی ہم دیکھتے ہیں تو ساری لڑائیاں ایسی ہوا کرتی تھی، تو یہ بھی ہوا، اور انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ مراٹھا کے دل جو ہے تھوڑے نرم پڑے اور ہم سے جنگ نہ کرے، تاکہ ان کے بیوی بچوں کو تحفے دے کے انہوں نے چھوڑا۔ اور اسی طرح جب واپس آئے اور لوگوں کے ان کی کرامات جب یہ معلوم ہوئی کہ اس طرح کا پورا معاملہ ہے، تو پورے حکومت کو، لوگوں کو یہ پتہ چلا، تو ان کو یہ معلوم پڑ گیا کہ ایسے بادشاہ ہی نہیں، یہ ایک ولی بھی ہے اور یہ ایک زاہد ہے جو عبادت کرنے والا ہے۔ تو ٹیپو سلطان نے اس کے بعد میں سلطنت کو پھر پایا، اور سلطنت کے اندر انہوں نے پھر وہاں پر ایک انہوں نے تخت بنایا، وہ تخت انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ اگر دور سے دیکھا جاتا اور یہ بیٹھے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شیر کے اوپر بیٹھا ہے، ان کو اسی لیے شیر میسور ٹیپو سلطان اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا تخت بنایا، مشہور جو ہے تخت انہوں نے کیا، اور انہوں نے کئی کام کیے۔ اس وقت کے دور کے اندر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی وہاں پر، جب کہ ہم دیکھتے کہ اس وقت لوگ جو ہے صرف مدارس ہوا کرتے تھے یا وہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے سارے علم کے لیے، دنیا کے تمام علم کے لیے وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی کو بنائی، جس کا نام جامع العمور انہوں نے اس یونیورسٹی کو رکھا۔ آج بھی جو ہے اس کے کھنڈر موجود ہیں، آج بھی یونیورسٹی بند ہو گئی ہے، انگریزوں نے اس کو جو ہے برباد کر دیا، لیکن آج بھی اس کے کھنڈر موجود ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے کام وہ کیا کرتے تھے۔ سری رنگا پٹنم کے اندر یہ موجود ہے، تو وہاں پر انہوں نے العمور کے اندر سارے سبجیکٹ وہاں یہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی دینی بھی وہاں پر ہوتا تھا، سیرت ہوتی تھی، اس کے بعد علاوہ جو ہے اس کے اندر ذکر ہوا کرتے تھے، عربی کے اندر مہارت وہاں پر دلائی جاتی تھی، اس طرح طب نبوی وہاں پر پڑھائی جاتی تھی، میڈیکل شعبے وہاں پر ہوا کرتے تھے، اور تقریباً 15 سے 20 سبجیکٹ اس یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے تھے، اور پڑھانے والے سارے کے سارے لوگوں کو انہوں نے باہر سے بلوایا تھا، جو ایکسپرٹ تھے وہ لوگ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور ان کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو یہ جو ایک بار کھیل رہے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے میں ان کو جو ہے ایک ادھر سے کوئی بزرگ ایک عالم گزرے، اور انہوں نے ان کو دیکھا، وہ دیکھ کر ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایک دن تم بہت بڑے بادشاہ بنو گے، تم ان کو دیکھ کر کہا کہ تم بڑے بادشاہ بنو گے، اور جب بن جاؤ تو یہاں پر تم ایک مسجد کو تعمیر کرنا، ایک مسجد کو تم یہاں پر بنانا، یہ انہوں نے جو ہے ان سے ان جو ہے عالم نے ان سے کہا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے فراست، فراست سے دیکھنا۔ تو
تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے. علم یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیتا ہے فراست کسی کو کہ وہ دیکھ کے معلوم کر لیتا ہے کہ آگے اس کے ایک اندازہ ہوتا ہے, ایسا فیکٹ نہیں ہوتا, لیکن فراست ایک بڑی الگ چیز ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو اس سے جو ہے اس کے جو دیکھتے نا, وہ کہا جاتا ہے جس طرح کے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھ کے انہوں نے یہ کہا. اور جب اس کے بعد میں ان کو یہ بات یاد آئی, جب شری رنگا پٹنم پہنچے اس جگہ پر ان کو بات یاد آئی, تو انہوں نے جو ہے کیا کیا, وہاں پر ایک مسجد بنائی, یعنی 1790 کے اندر, اور مسجد کو ایسا پیٹرن دیا جس طرح مسجد اقصا, یعنی دو اس کی جو مینار, اور اسی پیٹرن کے اندر اس کو بنایا. اور یہ مسجد کا نام انہوں نے العلیٰ رکھا, مسجد اعلیٰ. اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد آج بھی وہاں پر موجود ہے, اور یہاں پر جو ہے نماز پڑھائی جاتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ مدارس بھی ہے جہاں کے اندر حفاظ نکلتے ہیں, یعنی حافظ وہاں پر لوگوں کو بنایا جاتا ہے. تو بہترین کاریگروں سے اس کو بنوایا, اور اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے گیٹ تھے, ایک گیٹ چھوٹا بنوایا انہوں نے. ایک چھوٹا گیٹ کیوں بنوایا انہوں نے, کیونکہ بادشاہ تھے, اور بادشاہ جب اگر کہیں سے جاتا ہے تو لوگ تعظیماً اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں یہاں نماز کے لیے آؤں گا تو لوگ جو ہے میرے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوں گے, تو میں نہیں چاہتا کہ میری تعظیم کے اندر لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں, تو وہ کھڑے ہو جائیں, میرے سامنے جھکے میں پسند نہیں کرتا. تو یہ اس کے اندر سے آتے تھے اور اسی چھوٹے راستے سے نکل کر چلے جاتے تھے, تاکہ آتے تھے جیسے ہی نماز شروع ہوتی آتے کھڑے ہوتے, اور اس کے بعد میں نماز اپنی پڑھ کر وہاں سے نکل جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو. اور اس مسجد کا واقعہ ملتا ہے کہ اس مسجد کو جب انہوں نے شروع کیا تو عید الفطر کے دن اس مسجد کو انہوں نے شروع کیا, یعنی افتتاح اس کی جب کی, تو وہاں پر بڑے بڑے, کیونکہ ایک بادشاہ تھے, انہوں نے مسجد کو قائم کیا بنایا, تو بڑے بڑے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے قاضی تھے, سب اس مسجد کی ابتدا کے اندر وہاں پر سارے وہاں پر آئے, اوپننگ کے اندر سب وہاں پر جمع تھے. تو ٹیپو سلطان نے وہاں پر جب وہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ آج اس مسجد کی ابتدا ہے, اور اس کی نماز پہلی نماز اس مسجد میں ادا کی جائے گی عید الفطر کے موقع پر. تو اس مسجد کو سب سے پہلی امامت وہ شخص کرائے گا کہ جس نے کبھی بالغ ہونے کے بعد, یعنی جب سے بالغ ہوا ہے تب سے اس نے اپنی جماعت سے نماز اس نے نہ چھوڑی, تو ویسا آدمی آ کے اس کی امامت کرائے. تو وہاں پر بہت سارے کئی سینکڑوں کی تعداد میں علماء اکرام اور قاضی وہاں پر موجود تھے. تو جب یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جس کی بھی نماز اگر کسی نے جماعت سے نہیں چھوڑی ہو جب سے بالغ ہوا ہے, وہ آدمی آ کر جو ہے یہاں پر اس کی امامت کرائے, نماز کی افتتاح کرے. لیکن انہوں نے اعلان کیا, سب لوگ پوچھتے رہے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, بڑے بڑے قاضی علماء وہاں پر موجود تھے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ کسی کے پاس ایسا نہیں تھا کہ کسی کی نماز جو ہے ایسے چھوٹی نہ ہو. جب بہت دیر, کافی دیر ہو گئی کہ وہ سب نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے, مطلب ایسا سب اس میں موجود نہیں ہے, تو پھر ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کے بعد وہ خود گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں امامت کراتا ہوں, اور میں نے جب سے مجھے یاد ہے بالغ ہوا ہوں آج تک میں نے نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑا, آج تک نہیں چھوڑا. تو یہ ایسی شخصیت تھے, صرف ایک بادشاہ نہیں تھے, دین کے اندر متقی پرہیزگار شخصیت تھے, اور انہوں نے پھر اس کی امامت کروائی. تو یہاں سے بھی ان کو معلوم پڑتا ہے, ان کی عمر تقریباً اس وقت شاید 35-40 سال کی رہی ہوگی, تو انہوں نے اس ایک بھی نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑا ہے, جبکہ یہ کتنے جنگ کے اندر جو شامل تھے, لیکن وہاں پر بھی میدان کے اندر بھی یہ جماعت سے اکٹھا کر کے لوگوں کو نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی جنگ ہوا کرتی تھی, اس کے بعد بھی یہ جو ہے دین کے اندر بھی اتنا کام انہوں نے کیا. تو یہ مسجد آج بھی موجود ہے, یہاں مدارس چلتے ہیں, اور یہاں پر لیکن اس مسجد کی حالت خستہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ کو اس پر دھیان نہیں دیتی ہے, کیونکہ اس مسجد کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ان پہ گورنمنٹ جو ہے اس کو دیتی ہے, اس کے اوپر اس پہ دھیان دیتے ہیں, اس کے لیے الگ سے بجٹ دیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت کے لیے, رنگ روغن کے لیے, لیکن اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ یہاں پر ان کا ایک اور واقعہ ملتا ہے, خلافت عثمانیہ کے وقت میں یہ موجود تھے, جب آخری جو خلافت تھی, جو خلافت کا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا, یعنی بادشاہ تھی لیکن اس کو خلافتیں کہا جاتا ہے, تو خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر یہ موجود تھے. تو وہ جب اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان سلیم, اس کے اندر انہوں نے یہ خط لکھا اس کو, اور کہا کہ ہم میسور کے ہیں اور میں میسور کا بادشاہ ہوں, اور ہم آپ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسلامی سلطنت جب بھی قائم ہوتی تھی تو چھوٹی موٹی ریاستیں ہوتی تو اس کے ماتحت چلا کرتی تھی. تو خلافت تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے اور ایک مسلم بادشاہ ہوں, تو مجھے بھی خلافت کے تحت چلنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے ان سے ملتا بھی عمل کہ اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو رہنا چاہیے خلافت کے اندر. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کے لیے یہ کہا, اور یہ جو ایک بڑی بات تھی اس وقت کے اندر, کیونکہ اس خلافت کے اندر رہنا, اور انہوں نے خود آگے رہ کے کہا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور ہمارے جو ہے دشمن, انہوں نے اس کے اندر اور باتیں لکھی, ہمارے دشمن یہاں پر انگریز ہیں,
और इसके अंदर हम तो आप हमारी मदद उसके अंदर करें ताकि हम पर गालिब ना आए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि तिजारत, हमारे पास में बहुत सारी तिजारत है तो हम आपको तिजारत की भी दावत देते हैं कि आप आए और हमारे साथ तिजारत जो है उसमें शामिल हों, वो तिजारत भी आप हमारे साथ में करें। और उस वक्त इसके यहाँ ये तिजारत किया करते थे, इसमें सागवान का एक बड़ा बिजनेस हुआ करता था। इसी तरह जो हाथी दांत मशहूर है, आप आज भी देखेंगे तो दुनिया के सबसे बड़ा जो अगर हाथी दांत का जो कारोबार है वो मैसूर में ही होता है, वहीं पर होता है। तो इनके पास में ये भी उन्होंने कहा, इस तरह मोती बोले हमारे पास में ऐसे लोग हैं, ऐसे गोताखोर हैं, समुद्र से मोतियाँ निकालते हैं, तो हमारे सारे बिजनेस है। और मैसूर सिल्क ये भी मशहूर है, ये इन्होंने ईजाद किया था, ये इन्होंने ही बनाया था मैसूर सिल्क को, आज भी मशहूर है। तो इन्होंने इस सब के उनको कहा कि ये सारे चीज़ें हम बनाते हैं तो तुम, और इसी के अलावा ये मिसाइल भी इन्होंने बनाई, सबसे पहली मिसाइल अगर किसी ने बनाई, इसको तगार किया करते थे, नाम दिया हो, और ये इन्होंने सबसे पहले इनको बनाया। तो इन्होंने ये कहा, और बशरा का जो बंदर का था उन्होंने कहा कि तुम, हम तुमको वहाँ पर इजाज़त देते कि तुम्हारे जहाज वहाँ पर लेकर आओ और तुम्हारे यहाँ पर हमको आने की इजाज़त दो ताकि जो है हम इसमें भी शामिल रहे, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे में मदद भी करो। लेकिन सुल्तान जो रहता है डर जाता है, इनके बारे में सुन रखा होता है कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ, जो इतने बड़े लोग हैं जिनके पास में आधुनिक उस वक्त के दौर के हथियार हैं यानी बंदूक तोपे हैं, उनसे इन्होंने जंग लड़ी है और अंग्रेजों को इनसे सुलह करनी पड़ी, ये बात मशहूर थी क्योंकि अंग्रेज इनसे जीत नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खिलाफत में आ जाए, मेरे माता ताजा मेरी खिलाफत को ये छीन ले, तो डर गया और उनने जो है कोई जवाब उसको नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने वापस से खत लिखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि तुम जो है फ्रांस को अगर तुम छोड़ देते हो, क्योंकि ये फ्रेंच लोगों को अपने साथ में रखते थे, क्योंकि फ्रेंच आज तक भी देखते हैं जो ये जो अंग्रेजों के खिलाफ है, आज भी खिलाफ है, तो ये उन लोगों को साथ में रखा करते थे, वो कई लोग बड़े बड़े अहदेदार इनके फ्रेंच लोग हुआ करते थे। तो इन्होंने ये जो है काम किया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यहाँ मामला नहीं बना, तो फिर उन्होंने मुगलों को खत लिखा, उस टाइम मुगल सल्तनत भी चल रही थी, उनको खत लिखा कि मुगलों को कहा कि हमारा अंग्रेजों के खिलाफ तो हमारा साथ दो। उन्होंने कोशिश की, उस पर मोहम्मद शाह एक मुगल, ये उस तरह का बादशाह था जो औरंगजेब के बाद में था तो उसकी नस्ल में से, तो इसने भी जो है साथ नहीं दिया। तो बहुत सारी इन्होंने कोशिश की लेकिन किसी ने इनकी मदद करी, कहीं पर बात नहीं बनी। तो इन्होंने अंग्रेजों, उसके बाद में एक अंग्रेज जनरल आया जिसका नाम था कार्निवास, वो इसने जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ 1,00,000 की ब्रिटिश फौज लेकर आया, 1,00,000 की ब्रिटिश फौज लेके टीपू सुल्तान के खिलाफ में आया। और उसके बाद जो है जो नवाब थे हैदर, उनको भी इन्होंने खत लिखा लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, हैदराबाद के जो नवाब थे, तो वहाँ पर 35,000 फौज नवाब ने अंग्रेजों के साथ में मिलाई। और इसी तरह मराठा की 1,00,000 की फौज यानी 2,50,000 की फौज टीपू सुल्तान के खिलाफ ये जमा हुई, अंग्रेज ने जमा की। और इसके अंदर फिर जो है जंग होती है, 3 जगह उन्होंने इसके अंदर लड़ी, जंग होती है। और श्रीरंगापट्टनम के अंदर पूरा इन्होंने इस 2,50,000 फौज से श्रीरंगापट्टनम को इन्होंने घेर लिया, पूरा मैसूर को उन्होंने घेर लिया। और टीपू सुल्तान के अंदर ये था कि वो घिर क्यों गए, वो घिर इसलिए गए कि टीपू सुल्तान, हैदर अली का मामला अलग था लेकिन टीपू सुल्तान जो है उनका मामला थोड़ा नरम दिल थे, टीपू सुल्तान उसमें नरम दिल थे, वो इतना ज़्यादा लोगों, वो आम तौर पर किसी पर यकीन कर लिया करते। हैदर अली का मामला अलग था, इनके वालिद थे, वो अगर एक खत कहीं से आता था, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, एक खत कहीं से आता था एक आदमी से पढ़वाते, फिर दूसरे से पढ़वाते, फिर तीसरे से पढ़वाते, लिखना भी होता तो लिखवाते एक से, फिर दूसरी बात दूसरे से लिखवाते थे, तीसरी बार तीसरे से लिखवाते थे, फिर चौथी बार उसको पढ़वाते, पांचवी बार ऐसे वो काम किया करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान जो रहम दिल थे, क्योंकि दीनी भी थे, तो इन्होंने के लोगों को आसानी से यकीन कर लेते थे, तो इसकी वजह से इनके अंदर मुनाफिकत बहुत आ गए थे, मुनाफिक लोग इनके साथ में शामिल हो गए, जिसकी वजह से इनको खबर नहीं हुई कि पूरे जो है श्रीरंगापट्टनम को अंग्रेजों ने घेर लिया है, तो इन्होंने घेर लिया तो इनको मालूम नहीं पड़ा। और ये उसके अंदर तो बेंग, और उसके बाद जो वहाँ पर सबसे बड़ा आने का जो रास्ता था वो था बेंगलोर का, बेंगलोर का एक किला था तो किले के जरिए से ही आया जा सकता था, यानी फौज पूरी वहीं से दाखिल हो सकती थी। तो वहाँ पर एक राजा था कृष्ण राव, तो उनने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली और संधि कर वहाँ से उनको रास्ता दे दिया जहाँ पर जो अंग्रेजों का यहाँ पर आना उनके लिए आसान हो गया, आकर श्रीरंगापट्टनम को उन्होंने घेर लिया। तो जब ये पूरे घिर गए, उधर एक तरफ से मराठा और दूसरी तरफ से जो है अंग्रेज, और उधर से मराठा जब आए तो मराठा ने इतना नुकसान पहुंचाया, और ये इतिहास गवाह है इस बात का, वो कई गैर मुस्लिम मुहर्रकीन लिखने वाले भी लिखते हैं कि मराठा जब टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए आए, रास्ते में जितने भी मंदिर थे सारे मंदिर को उन्होंने तोड़ा है, इस बात का इतिहास गवाह है और लिखा हुआ है, कई लोगों ने इस चीज़ों पर पीएचडी भी की है।
तो ये इन्होंने किया, यानी खुद इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इनके कोई दुश्मनी, दुश्मनी ये है कि मंदिर को, क्योंकि ये पहले बादशाह हुआ करती तो उसके अंदर ये नहीं देखा जाता था। वो क्या देखते कि उनको अपनी सल्तनत बढ़ानी होती थी, उसके लिए ये तोड़ा करते थे। तो कई पंडित लोग जो महाराज थे, पुजारी थे मंदिरों के, तो वहाँ पर आए और उन्होंने आकर टीपू सुल्तान से कहा कि ये जो मराठा हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं और इन्होंने हमें जो है घेर लिया है, तो आप जो है इनका, इनको आप खात्मा करो। उन्होंने आकर ये खबर दी, लेकिन इनके साथ थे लोगों ने उनको बताया नहीं। सारे जो है पुजारियों ने आकर उनसे बात कही और टीपू सुल्तान जब गिर गए, लेकिन टीपू सुल्तान ने इन लोगों से क्या किया, गोरिल्ला फाइट की, क्योंकि गोरिल्ला फाइट ये वहीं इन्होंने शुरू की थी। आज हम देखते हैं मशहूर है गोरिल्ला फाइट, यानी छुप कर जो है वो करते। तो इन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया, रसद के रास्ते जितने खाने पीने के सामान थे सब बंद कर दिए, और नदी जितनी भी उनके पानी के जो जरिए थे, जो अंग्रेज जिससे पानी पीते थे, इन्होंने उसके अंदर झेर मिला दिया। तो उनके पास ना खाने को बचा अंग्रेजों के पास जो फौज थे सारे, और ना उनके पास पीने को कुछ बचा। तो अंग्रेज फिर क्या हुआ, फिर पीछे हट गए, अंग्रेज जो है पीछे हट गए। लेकिन जब वो पीछे हटकर जाने लगे तो वहाँ पर रास्ते ही में हैदराबाद के निज़ाम अपनी 35,000 की फौज लेकर आकर कहते हैं, कह रहे तुम वापस क्यों जा रहे हो, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, और ये रसद और सारी सामग्री लेके फिर से वापस फिर घेरने के लिए फिर से आ जाते हैं। और क्योंकि ये जो है मुनाफिक किस्म के लोग काफ़ी लोग थे, और इनके टीपू सुल्तान के साथ में कई लोग थे जिनके अंदर मीर सादिक, मीर मुरीरुद्दीन, इस तरह जो पूर्णैया, ये सारे इनके साथ थे, लेकिन ये मुनाफिक लोग थे जो इनके सारे उन्होंने गद्दारी की। फिर उसके बाद ये हो गया कि जब पूरी तरह गिर गए तो ये मामला बचा कि अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो सुलह इनको करने पर मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों के साथ में इन्होंने सुलह की, और सुलह के अंदर अंग्रेज उन्होंने इनके सामने तीन शर्तें रखी कि तीन शर्तों पर सुलह जो तुम्हारी होगी, कि यह एक हमको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको 3 लाख रुपए हमको देना पड़ेंगे। 3 लाख उस वक्त के हिसाब से हम सोचें, आज के हिसाब से नहीं, उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती 3 लाख रुपए। 3 लाख तुमको देना पड़ेगा, 4 महीने में देना है, और 1,60,000 रुपये अभी देना है एट ए टाइम, तो इस पर हम सुन के सुलह करेंगे, फिर हमला हम तुम पर नहीं करेंगे। और यह जो है दूसरे कहा कि उसके बाद तुम अंग्रेजों से कभी भी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करोगे, उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाओगे, दूसरी सुलह ये की। तीसरा है कि बाकी पैसे 4 महीने में देना है जो बचा हुआ रकम, और उसके बदले में तुम्हारे 2 बच्चों को हमारे पास में गिरवी रखना होगा, रकम दे जाओ, बच्चे को छुड़ा कर ले जाना। वो टीपू सुल्तान क्योंकि इस तरह गिर गए थे और उनको आवाम की भी फिक्र थी, तो उन्होंने जो है इस संधि को माना, और इसको इस शर्तों को मानकर उन्होंने उनके जो 2 बच्चे थे, एक 5 साल का एक 7 साल का, वो अंग्रेजों को सौंपा, और उन्होंने जो इनके साथ में सुलह की। तो 4 महीने में पैसा देना था, और उसके बाद इनकी बहुत बड़ी सल्तनत जो थी अंग्रेजों ने कब्जा ली, और आधी सल्तनत को उन्होंने क्या किया, निज़ाम को दे दिया, आधी सल्तनत उन्होंने अंग्रेजों ने रख ली, तो इनकी सल्तनत भी उसमें से कम हो गई। और उसके बाद ये है कि फिर ये लोगों के पास में जाते हैं और लोगों से इस मामले को बताते हैं और उनके अपने जो है मदद मांगते हैं, और लोगों ने भी उस वक्त इनका साथ दिया। और यहाँ पर उन्होंने जो है अरबों, फिर उन्होंने तिजारत को अपने फैलाया, और तिजारत को उन्होंने अरबों तक पहुँचाया, अरबों के साथ तिजारत की, सर तुर्क के पास, फ्रांस, और तिजारत के सब के लिए रास्ते खोल गए, क्योंकि वो रकम को जमा करना था। और लोगों ने इसमें खेतियों के साथ भी इनका साथ दिया, मैसूर सिल्क इन्होंने कायम किया, उस सिल्क को इन्होंने पूरी दुनिया भर में भेजा, और सब सीख करके 4 महीने के अंदर उस रकम को इन्होंने जमा किया, और फिर उस रकम से इन्होंने कर्जा चुका कर अपने बच्चों को उनसे वापस से छुड़ाते हैं। तो अब उसके बाद फिर ये जब होने के बाद में फिर गौर करते हैं कि गलती कहाँ पर हुई हमसे, कि इस तरह से हम गिर गए और ये हमको ये सुलह हमको माननी पड़ी, और उन्होंने गौर फिक्र किया। और उसके बाद ये गद्दारों को बुलाते हैं, इनको मालूम पड़ गया कि अपने ही लोगों ने गद्दारी की है, ये सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जो है, लेकिन बुलाकर कहते, लेकिन इनको पता भी था, लेकिन उन्होंने कत्ल नहीं किया किसी को भी, पकड़ा ना कैद किया ना कत्ल किया, बल्कि ये जो वहाँ पर कहते हैं कि मैं जो है उन बादशाहों जैसा बादशाह नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो, मैं वैसा बादशाह नहीं हूँ, और मैं वो बादशाह हूँ जो ज़मीन पर सोता हूँ, मेरे पास में तख्त नहीं है सोने के लिए, मैं अपनी रातें ज़मीन पर गुजारता हूँ, तो वैसा बादशाह नहीं हूँ। तो मैं जो है सबको माफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरा रब मुझे यही सिखाता है कि तुम लोगों को माफ़ करो, क्या तुम चाहते नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तो मैं तुम सबको भी मैं माफ़ करता हूँ। वो सबको इन्होंने जो है माफ़ कर दिया, सारे लोगों को, मुनाफिकों को उन्होंने माफ़ कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद इन्होंने एक निज़ाम कायम किया उस वक्त के बाद में। फिर क्या किया इन्होंने कि लोग, हो सकता है कि बादशाह जो उस वक्त क्या किया करते थे कि अगर कुछ मसला पेश आता तो किससे वो राय मशवरा लिया करते थे, सेनापति से, वजीर से, ये बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने वहाँ पर
एक राय, कामन राय कायम किया, और इन्होंने रिपब्लिक निज़ाम वहाँ पर कायम किया कि आम पब्लिक भी कोई मसला जब हमारे पास में आएगा तो आम पब्लिक भी आएगी, इस मसले को समझेगी और वो भी अपनी राय देगी, इसके लिए उनकी राय भी सुनी जाएगी। तो ऐसा एक निज़ाम इन्होंने एक पार्लियामेंट कायम किया, पार्लियामेंट का सिस्टम कायम किया कि हर आदमी आकर अपनी जो राय मशवरा वहाँ पर दे सके। और इस ये सब चलता रहा तो अंग्रेज़ों, लेकिन अंग्रेज़ों को भी खबर थी ये चीज़ के ये इस तरह से मेरे खिलाफ़ जो है लोगों को, पब्लिक को भी साथ में ले रहे हैं, तो अंग्रेज़ फिर खामोश नहीं बैठने वाले। तो उन्होंने नई स्कीम एक लेकर आए, नई स्कीम एक लाई जिसके सब डरी स्कीम्स, ये स्कीम लेकर आए। इसके अंदर क्या होता है, इसको कहा, ये ऐसी स्कीम्स है कि इस स्कीम्स में होता है कि जो हुकूमतें आपस में लड़ती हैं तो अंग्रेज़ जाते हैं और करते हैं कि इसलिए कि तुम आपस में लड़ते हो तो तुम्हारे बॉर्डर जो होगी तो बॉर्डर पे हमारी मिलिट्री रहेगी, बाकी तुम्हारी मिलिट्री जो है वो अंदर काम करेगी, इनकी मिलिट्री इनके अंदर काम करेगी, बॉर्डर पे हम रहेंगे ताकि तुम दोनों आपस में लड़ो ना। ये स्कीम्स ही लेकर आए और इन्होंने उस स्कीम को वहाँ पर कायम किया। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमारा काम है अमन देना, हम अमन देना चाहते हैं ताकि लोग लड़े नहीं पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए इस स्कीम को वो लेकर आए। और जैसे ही स्कीम लाए तो सबसे पहले निज़ाम ने सिग्नेचर कर दिया उस स्कीम पे, निज़ाम ने सिग्नेचर कर दिया, हाँ ठीक है हमारी बॉर्डर पे आपके जो है सैनिक लगा सकते हैं। दूसरा नवाबों ने भी सारे ने साइन कर दिया, छोटी छोटी रियासत थी उन्होंने भी सबने सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद विजडरी एक जनरल ये आया और इसने जो है ये कहा, तो इसमें कहा कि सही, अब इस पर सिग्नेचर कौन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान ने नहीं किया, टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि हम क्यों घिर कर रहे हैं, क्योंकि घिरने की वजह से एक बार तो भुगत चुके हैं, तो उन्होंने जो है वो नहीं किया। तो उसके बाद ये जो इसके बाद जो है यहाँ के, अब इनके पास में यही मामला बचा था कि ये तो जंग लड़े, लेकिन ये कमज़ोर थे इतनी कि जंग लड़ नहीं सकते थे, तो कमज़ोर थे। तो यही स्कीम आज, ये देखिए यही स्कीम, जबकि आज से कब से 200 साल पुरानी यही स्कीम, आज भी आप देखिए आज भी अंग्रेज आते हैं, दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं, आकर भाई तुम लड़ते हो तो हमारी बॉर्डर पर हमारे सैनिक होंगे। और हम देखें पूरे अरब के अंदर ये बॉर्डर पर यही रहते हैं, जहाँ जहाँ चले जाएँ, जहाँ भी जंग होती है, आप अफगानिस्तान जाए, इराक जाए, जहाँ पर भी इन्होंने जंगें की, जहाँ पर वो जाकर क्या करते हैं कि तुम लड़ रहे हो आपस में, जहाँ लड़ाई होती है और जाकर अपने सैनिक बीच में डाल देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम अमन फैलाना चाहते हैं। उसके बाद यही होता है कि ये जो है ऐसे काम करते हैं, और इन्होंने आज जो है कर रखा है, मुख्तलिफ जगह पर हम देखते हैं कि ये किए रखा है। और ये इस तरह का मामला है कि इस तरह का मामला हो जाता है कि आदमी इस तरह इनसे गिर जाता है, और ये ऐसे फैसला होता है कि जिस तरह से हमें कहानी आती है उससे हम इसको समझे कि एक शेर था, एक शेर ने जो है एक चीते और एक लोमड़ी को, उसने कहा कि जाओ शिकार करके लाओ, तुम शिकार करके लाओ। तो चीता और लोमड़ी दोनों गए, दोनों ने मेहनत की और एक शिकार करके लाकर बादशाह के सामने एक खरगोश लेकर आए, और खरगोश लाकर उन्होंने बादशाह के सामने पटक दिया। बोले बादशाह शेर के, शेर था बादशाह होता है शेर जंगल का, तो उन्होंने ला के इसके सामने रख दिया और लाकर कहा कि ये हम लेकर आ गए। उन्होंने कहा चलो इसके हिस्से कर, इसके हिस्से करो। तो चीते ने कहा कि हिस्से करें इसके, तो उन्होंने सोचा कि यार तीन लोग हैं हिस्से करना है इसका, तो उसने कहा, उसने जो तकसीम की कि एक हिस्सा जो है पीछे के पैर से लोमड़ी के हैं और जो आगे के पैर मेरे हैं, बाकी बड़ा हिस्सा उन्होंने कहा कि पूरा मुंह और सारा पेट का हिस्सा उसको दे दी जाए। तो शेर ने छलांग मारी और चीते को ख़त्म कर दिया, पसंद नहीं आया उसको इस हिस्से। अब लोमड़ी से कहा कि तुम इससे करो, लोमड़ी समझ गई चालाक, तो उसने कहा कि बादशाह शेर बड़ शेर था, उन्होंने कहा कि ये जो इसका हिस्सा ऐसा है कि ये जो इसका सर है ये आपका है, ये इसके दो पैर हैं ये भी आपके हैं, इसके पीछे के दो जो पैर हैं ये भी आपका है, ये जो इसका पेट है ये भी आपका, ये नहीं पूरा आपका है। तो बादशाह ने कहा हाँ तुमने सही फैसला किया, चलो जाओ तुम चले जाओ। तो ये अंग्रेज़ों का मामला यही है, यानी ये क्या करते हैं वहाँ पर आकर यही मामला हो जाता है कि हम वो जाकर बिठा दिया, उसके बाद सब इनका इनकी हाँ में हाँ आप मिलाते रहे, क्योंकि बॉर्डर पर इनके सैनिक होते हैं। तो आज भी हम देखते हैं ये स्कीम आज चलाते हैं। बहरहाल उसके बाद में ये हुआ कि ये सब होता रहा, उसके बाद सब लोगों ने इस स्कीम पर सिग्नेचर करे अंग्रेज़ों के साथ। उसके बाद जो वोडियार था, वोडियार कौन था, ये वोडियार जो वो बादशाह था जिससे हैदर अली ने सल्तनत जिससे ली थी, ये सल्तनत जो बादशाह हैदर अली बने थे, ये वोडियार उस वक्त बादशाह था, ये राजा था वहाँ का। और ये जो है वोडियार के अंदर हैदर अली जो उनके वालिद थे ये वहाँ पर सेनापति थे उसके अंदर, तो वहाँ से उन्होंने ये सल्तनत वहाँ से उससे ली थी। तो उसकी जो बीवी थी, क्योंकि ओडियार तो मर गया था, उसकी बीवी थी, उनने एक खत लिखा कि मुझे तुम अगर इससे निजात दिला दोगे, इससे आज़ादी दिला दोगे टीपू सुल्तान से, तो मैं तुमको जो है क्या करूँगी कि इसमें तुम्हारी सल्तनत इस पर सिग्नेचर कर दूँगी और मेरी सल्तनत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा तुमको दूँगी। उसने ये उससे अंग्रेज़ों से संधि कर ली।
और फिर अंग्रेज़ों ने ये सब चीज़ों के सारी चीज़ों से उन्होंने सब वो कर लिया। उसके बाद फिर जो है उन्होंने ये किया, उसके बाद जो है टीपू सुल्तान ने और भी कई लोगों से मददें मांगी, सबको खत लिखे मेरी मदद करो। और जो है मैं ये कहता, उन्हें ये भी नहीं कहा, उन्हें कहा कि मेरी मदद करो, चाहे मेरी मदद इतनी करो कि मेरा साथ मत दो, अपने सैनिक मेरे पास मत लाओ, मेरे साथ जंग मत करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि अंग्रेजों को साथ मत दो, इनके साथ में मत, मेरे साथ नहीं आना है कोई मसला नहीं, मेरे साथ मत तुम मत लड़ो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि अंग्रेजों के साथ मत दो, तो मैं इनसे निपट सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो है किसी ने उनको माना नहीं, उन्होंने मुगलों को खत लिखे और कई खत आज ये जो है मौजूद है, खत ये सारे खत आज भी मौजूद है, ये अंग्रेजों के पास में मौजूद है सारे खत जो उन्होंने लिखे थे लोगों को। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर अंग्रेज़ों ने वापस से जब इनको घेरने के बाद सब दूर से मुआशरा कर लिया और सब लोगों को एक कर दिया, उसके बाद फिर इन्होंने वापस से एक शर्त लिखी, वो शर्त क्या रखी कि ये सल्तनत पूरी हमको देना पड़ेगी, अब ये सल्तनत पूरी हमको देना पड़ेगी, सिर्फ महल जो है ये आपका रहेगा, महल आपका पारी, पूरी की पूरी सल्तनत हमारी है। और क्या करना होगा कि 6 लाख रुपये तुमको देने होंगे, 3 लाख अभी देने होंगे और 3 लाख बाद में दोगे, जिसके अंदर चारों बच्चों को तुमको हमारे, उनके 4 बच्चे तो बोले चारों बच्चों को गिरवी रखना पड़ेगा, 3 लाख रुपए रकम देना, उनको छुड़ा कर ले जाना। टीपू सुल्तान ने कहा कि इससे तो मौत बेहतर है, क्योंकि ये जलील करने वाला काम था, तो उन्होंने मना कर दिया इससे तो मौत बेहतर है। तो 1799 के अंदर अंग्रेजों ने फिर क्या किया, फिर जो है वापस इनके पूरे इलाके को घेरना शुरू किया, अब उनकी तादाद भी बढ़ चुकी थी, इतने सारे लोग उनके साथ थे, फिर से इनको घेरना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया कि फिर अब गद्दार, इतने गद्दार इसमें जमा हो गए थे कि अब गद्दार और बढ़ गए, तो इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने जो है इनके लिए दरवाजे सारे खोल दिए, और इनके अंदर अंग्रेज़ों को इस जंग के अंदर कोई जो है जानी नुकसान तो नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन माली नुकसान हुआ, क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने सबको पैसा दिया कि पैसे से ही लोग खरीदे जा सकते, तो उनको ये माली नुकसान वाली हुआ। लेकिन उसके बाद जो है अम्बूर, कड़प्पा, बेंगलुरु, मैंगलोर, ये सब के रास्ते इन्होंने सब अंग्रेज़ों को सौंप दिया, यानी सारे के सारे इनके सल्तनत से सारी चीज़ें चली गई। इधर टीपू सुल्तान अंदर थे महल के अंदर, उनको मालूम भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि खबर देगा तो मालूम पड़ेगी, कोई सारे लोग गद्दार हैं तो क्या मालूम पड़ेगा, तो अंदर वो महल के अंदर है, उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, वो सब तरफ गद्दार बचे थे, सबको मालूम जो है। अब उनको जब पता कब चलता है कि जब किले के अंदर अंग्रेज़ दाखिल हो जाते, तब जाकर इनको मालूम पड़ता है कि पूरी हमारी जगह चली जा चुकी है, पूरी सल्तनत को अंग्रेज़ों ने घेर लिया है और ये जो है किले के अंदर भी दाखिल हो गए। और उसके बाद में तो ये पूरा सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा, उनको कोई भी उनको खबर नहीं मिली। उसके अंदर जो 4 दरवाजे थे, वो सब 4 दरवाजों पर, एक जो पीछे का दरवाजा था तो उस पर मीर सादिक था, और मीर सादिक ने उस दरवाजे को खोल दिया, सबसे बड़ा जो दरवाजा था उसको मीर सादिक ने खोल दिया, इनने गद्दारी की। देखिए अब गद्दारी से कितना नुकसान हुआ है, मुसलमानों को हमेशा जब भी नुकसान हुआ है आपस से हुआ है, किसी दूसरे ने कभी बड़ा नुकसान नहीं किया है, आपस के अंदर नुकसान होता है, क्योंकि जो मुनाफिक लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा, इसलिए हम देखते हैं कुरान के अंदर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा सूरह बकरा के अंदर आप देखें, आप शुरू इब्तदाई के अंदर कम से कम 12 आयत मोमिन के लिए आयत रखी, उसमें 6, फिर जो दूसरे थे काफिरों के लिए उसमें 2 आयत रखी, उसके बाद हम देखते हैं 8 से 10 आयत पूरी अल्लाह ने 12 आयतें मुनाफिक के ताल्लुक से रखी कि सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो यहाँ भी यही हुआ कि उनके लिए नुकसान उन्होंने उसके अंदर किया गया। तो इनके पास फ्रेंच लोग इनके साथ में, तो फ्रेंच जो थे इनके साथ, इनके वफादार थे, उन्होंने आकर इनको खबर दी कि इस तरह का मामला हुआ। तो उस दिन के ताल्लुक से मिलता है 4 मई 1799, जिस दिन इनको शहीद किया गया, कि उस दिन ये जो है फजर की नमाज़ के लिए उठे, फजर की नमाज़ इन्होंने अदा की। उसके बाद इन्होंने जो है फ्रेंच लोग इनके पास में आए, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जो है किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अंग्रेज आ गए, तो आप एक काम कीजिए, अपने घर वालों को लेकर आप निकल कर चले जाइए और फिर हम वापस से ताकत जमा करेंगे, फिर इनके खिलाफ़ लड़ेंगे। तो उन्होंने वो बात कही थी जो आज तक मशहूर है, वो मकोला, मशहूर मकोला उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है, कि मैं इस तरह से नहीं भागूंगा, चाहे एक दिन जीऊँ लेकिन मैं शान से शेर के जैसा मैं जीऊँगा, गीदड़ के जैसा मैं नहीं जीऊँगा। तो ऐसी ज़िंदगी भी क्या बेकार ज़िंदगी है जो 1000 साल भी दिए लेकिन घुट घुट कर मर मर के जिए। तो इन्होंने मशहूर मकोला जो है उन्होंने कहा था। और उसके बाद जो है वहाँ पर उस दिन उन्होंने सफ़ेद लिबास ये पहनते थे, अक्सर तौर पर सफ़ेद लिबास पहनना सुन्नत भी पहना करते हैं, सफ़ेद लिबास इन्होंने पहना, घोड़े पर बैठते हैं और दरवाजे पर जाकर ये लड़ना शुरू करते हैं, और इतना लड़ते हैं कि लड़ लड़ कर ये थक जाते हैं। और इनको जब ये पानी के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि भाई पानी कोई पिला दे, तो जिस तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उधर भी जो है मुनाफा खड़ा होता है, गद्दार खड़ा होता है, वो पानी भी नहीं देता है।
इनके सामने लाकर मटके को फोड़ देता है, पानी नहीं देता। यानी इतने तक इनके पास तक गद्दार जो बस गए थे, आगे इतने जो गद्दार थे, उसके बाद इनकी कई तलवारें टूटती है तो तलवार देने वाले लोग भी जो है वो भी गद्दार थे और इनके ताल्लुक से मिलता है। और कई घोड़े इनके अंदर, उसके अंदर घोड़े इनके मरे, कई घोड़े इन्होंने उसके अंदर इस्तेमाल किए, वो चारों तरफ से गिर चुके थे। इन्होंने उस एरिए के अंदर ये लड़े, उस एरिए के अंदर इन्होंने लड़ते लड़ते 9 तलवार इनके हाथ से टूटी, 9 तलवार इनके हाथ से टूटी। इन्होंने इतनी जो इनसे ऐसा मारका उन्होंने, इन्होंने अकेले लड़ा वो तलवार से लड़ते तो अंग्रेज तक इनसे थक गए और कई लोग इसके अंदर अंग्रेजों को उन्होंने कत्ल किया। लेकिन इनसे अकेले उस जगह पर, बाहर से इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर ये थे, ये दरवाजे के पास में, पीछे दरवाजे के पास में, उस दरवाजे को अंग्रेज अंदर आ नहीं पा रहे थे, इतने जो इनसे अकेले से वो जीत नहीं पा रहे थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब ये तो जीत ही नहीं पा रहे, ये आदमी तो हमारे लोगों को मारता ही जा रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि बंदूक का सहारा लिया और उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई। तो पहली गोली के सीने पर रखी, उसके बाद कई गोलियां दागी, उसके बाद भी ये लड़ते रहे। फिर उन्होंने देखा उसके बाद, तो फिर उन्होंने इनके सिर पर एक गोली मारी जिससे फिर ये तलवार इनकी छूटी और ये वहाँ पर जो है घोड़े से यहाँ पर गिर गए। लेकिन तलवार इनके हाथ में रही, तलवार इन्होंने नहीं छोड़ी। और आसपास इनके पास जब अंग्रेज वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं तो आसपास 40-50 जो है अंग्रेज वहाँ पर मरे पड़े हैं और उसके बीच में ये वहाँ पर जो है गिर जाते हैं। और अंग्रेज जो इनके पास जाने से डरते हैं कि वाकई शख्स मर तो नहीं, मर गया कि नहीं मर गया, यानी इतना खौफ था इनका कि वाकई ये मरा कि नहीं मरा। और ये सब कौन लिखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई हिंदुस्तानियों ने नहीं लिखा, अंग्रेजों ने खुद ने लिखा है कि इस तरह का मामला था। जो अंग्रेज लिखने वाले खुद लिखते हैं कि इस तरह का मामला था कि हमारे सिपाही उनके पास में जाने से डर रहे थे जबकि मालूम है कि वह शख्स मर चुका है, लेकिन तलवार उनके हाथ में खड़ी हुई थी, तलवार उनके हाथ में खड़ी हुई थी। और उसके बाद एक जनरल आता है, रुकता है और यही वो बोलता है कि यही टीपू सुल्तान है। वो सब देखते हैं, यकीन करते हैं यही है। वो फिर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि मालूम था सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर कोई रुकावट है तो यही शख्स था। उसके बाद जो है उनके सीने पर पैर रखकर बोलता है हिंदुस्तान आज हमारा है। तो उनको जो है उनके अंदर, अगर गद्दार नहीं होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लोग इनका साथ देते तो हो सकता है कि यही उस वक्त अंग्रेजों को मार गिराते और अंग्रेजों को उस वक्त ही अंग्रेजों से हमको निजात मिल जाती। लेकिन गद्दारों की वजह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ देने की वजह से इन्होंने जो है, गद्दारों ने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। वो कहाँ भी किसी भी कौम के अंदर गद्दार होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान गद्दारों की वजह से होता है। और उसके बाद में इनके घर वालों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद भी जो आगे हम देखें तो घर वालों को इनको गिरफ्तार किया और इन सब पूरे घर वालों को उन्होंने वेल्लोर में भेज दिया। वेल्लोर के अंदर कुछ सल्तनत इनको दे दी और इनको वेल्लोर के अंदर बसा दिया। लेकिन जब ये चलता रहा, उसके बाद 1806 के अंदर एक जो है बगावत होती है और लोग उठते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज कहते हैं कि अरे ये इतना बड़ा कारनामा किसने किया, लोग हमारे खिलाफ, क्योंकि इतने लोगों को गुलाम, जेन ही गुलाम हो चुके थे तो कोई उनके खिलाफ उठता नहीं था। लेकिन 1806 में एक फिर जो है वापस से लोग उठते हैं। तो वहाँ पर जब अंग्रेज लोग जाकर मालूम करते हैं कौन है, तो वहाँ पर पता चलता है कि टीपू सुल्तान का एक बेटा था फतेह हैदर, जिसका नाम था, वो वापस लोगों को जगाता है और फिर अंग्रेजों के खिलाफ करता है। तो अंग्रेजों को मालूम पड़ जाता है, लेकिन अंग्रेज उस वक्त पूरी तरह से जो है उनके ऊपर तसल्लुत पा चुके थे हिंदुस्तान के ऊपर। तो फिर उसके बाद में अंग्रेज उनको फिर गिरफ्तार करते हैं और वहाँ पर उसके बाद कलकत्ता उनको भेज देते हैं। और आज भी इनके जो है पुश्त के अंदर से 6ठी पुश्त आज भी इनकी बाकी है। आज भी इनके एक शख्स हैं जो वकील है और वो वकील वकालत करते हैं, वो कई प्रोग्राम्स में वो देखे भी जा सकते हैं, लोग उनको बुलाते हैं। लेकिन इंतहाई जो है उन्होंने, सरकार ने, जो कि इतना होने के बाद हम देखते हैं दूसरे बादशाह बहुत सारे, निज़ाम को हम देखें, निज़ामों की सल्तनत आज भी कायम, निज़ाम आज भी देखते हैं बड़े बड़े उनके पास महिलातों में आज भी रहते हैं। लेकिन इनको जो इस तरह की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। आज ये इनके जो है गुर्बती में है और वो जो इनका एक जो सल्तनत छठा जो लड़का है इनका, इनकी पुस्तक के अंदर से जो वकील है, तो उनको कोई मदद नहीं है। और भी खूबियाँ जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की थी उसके अंदर थे कि मुसलमान और हिंदू के साथ में एक सा ये व्यवहार करते थे, जो अगर जैसा होता था ऐसा नहीं कि मुसलमान उनको छोड़ दिया और इसी सल्तनत कायम करते थे। बड़े इनके अंदर जो बड़े बड़े अहदे पर हिंदू लोगों को इन्होंने रख रखा था, कोई इसमें फ़र्क नहीं था, बड़े बड़े अहदे उनको इन्होंने दे रखे थे और कई कई मंदिरों को ज़मीनें इन्होंने दी। और आज भी वहाँ की मंदिरों के अंदर शिलालेख पर लिखा हुआ है कि ये जो है टीपू सुल्तान ने ज़मीन हमको दी थी, इतना फंड इसको किया मंदिर को बनाने के अंदर। लोग ये कहते हैं कि हमने उन्होंने तोड़ा, जबकि वो शिलालेख मौजूद है। अब बात यह है कि हम उसका इल्म हासिल नहीं करते, हम लोगों को बताते नहीं, तो हमको, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद को हम भूल जाएंगे तो ये समझ लिए कि हमको लोग मिटा देंगे जब तक हम उनके बारे में मालूम नहीं करेंगे। तो आज भी मौजूद है, जबकि अब पत्थरों पर लिखा हुआ है, हमको मालूम नहीं। लोग कहते हैं मुसलमानों का
कोई हिस्सा नहीं आज़ादी के अंदर। आप जाके गेटवे ऑफ इंडिया पे देखिए, आप वहाँ पर नाम खुदे हुए जो शहीद हुए थे अंग्रेजों के साथ जंग के अंदर, तो उनके नाम लिखे आप देखिए, कितने कितने पूरी पूरी लाइन ऊपर से पिल्लर नीचे भरा हुआ मुसलमानों के नाम से। तो हमको देखने की ज़रूरत है। फिर हमसे अगर कोई पूछे तो हम जो है नाम भी गिना नहीं पाते। तो हमको ज़रूरत है कि हम इल्म हासिल करें इनके बारे में, ताकि लोगों को बताएं। और इस वजह से भी मैंने इसको रखा, क्योंकि ये जो है सीजन आने वाला है, सीजन आती है बात उठती, आज़ादी हमारे दिवस आने वाला है, तो इसकी वजह से मैंने भी इस बात को रखा। और भी इनकी कमियाँ जो बहुत सारी जो है खूबियाँ थी, वो क्या थी कि इनको जो लोग सुल्तान कहते थे, तो ये कहते थे मुझे सुल्तान मत कहो, मुझे नबी मालिक कहो, यानी नबी की सुन्नतों को पाबंद करने वाला मालिक, यानी इसको मानने वाला, उसकी पाबंदी करने वाला, मुझे नबी मालिक कहा करो। और वो झुकने से मना करते थे, मेरे सामने मत झुको, अल्लाह के सामने झुको, उसके अलावा किसी के सामने तुमको झुकना नहीं, ये मना किया करते थे। और जो है तकरीर ये किया करते थे, और उसके अंदर तकरीर के अंदर कभी भी इन्होंने मज़हबी बातें उसमें नहीं की, मज़हबी यानी कि लड़ने के लिए कभी उभारा नहीं। और ये जो ऐसी सल्तनत कायम करना चाहते थे, सेकुलर सल्तनत, जिस तरह जो जिसकी वजह से हम आज़ादी हमारी हुई, और उसी पे निज़ाम के अंदर हमारे यहाँ पर कानून बनाए गए कि सेकुलर एक देश रहेगा, तो वैसी ये सल्तनत यहाँ पर कायम करना चाहते थे। और इन्होंने इस्लामी माशरे के लिए भी कोशिश की, और इनका जो था वो करने का, तो उनका ये था कि लकुम दीनकुम वले दीन, इस बुनियाद के ऊपर ये करने से कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कोई आता लेकिन इल्म के लिए कोशिश भी करते थे, दीन के लिए कोशिश भी करते थे, कुछ गलत फहमी होती लोगों को बताया भी करते थे। कई इन्होंने यूनिवर्सिटी भी इन्होंने कायम की ताकि लोग दीनी इल्म हासिल करें। इल्म दोस्त थे वो, 14 के लगभग भाषाएँ बोलियाँ ये बोला करते थे, जानते थे, दीनी इल्म रखते थे। हाँ, अब ये हम कहेंगे इतनी सारी तो बात हमने बता दी, भाई ये मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इनके नमाज़ें फौत नहीं हुई। ये सब होने के बाद भी फिर हम देखें इनकी तस्वीर देखते हैं तो दाढ़ी तो दिखती नहीं उनके चेहरे के ऊपर, फिर ये कैसी मुत्तकी परहेजगारी मानते थे। तो दाढ़ी जो है इनको आया नहीं करती थी, मुअर्रखीन लिखते हैं कि दाढ़ी इनको आती नहीं थी, और उसके लिए कोशिश करते थे कि रोज़ उठकर ये अपने चेहरे पर उस तरह फेरा करते कि कहीं कभी तो उग जाए, लेकिन कोशिश करते रहे, लेकिन मरते दम तक इनकी दाढ़ी नहीं आई। तो अब ऐसा हम ना समझे कि दाढ़ी नहीं है तो ये सब बातें फिजूल, इनको दाढ़ी आती नहीं थी। सफ़ेद लिबास सादगी इस्तेमाल किया करते थे, इनके बरक्स हैदर अली थे वो थोड़ा लग्जरी रहा करते थे क्योंकि बादशाह थे, लेकिन ये पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल सादा रहा करते थे, ज़मीन पे सोया करते थे। और ये जो है एक बार जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी के दो वाक्य मिलते हैं, एक जब इनकी शादी का मसला आया तो इनकी जो वालदा थी उन्होंने एक लड़के को पसंद कर लिया, हैदर अली इनके वालिद थे, उन्होंने एक लड़की को पसंद कर लिया, और दोनों वो आपस में झगड़ रहे कि नहीं इससे मैं शादी करवाऊंगा, इससे निकाह इसका करवाऊंगा। तब ये जो इनके ऊपर मसला आ गया कि किसकी बात को माने दोनों के अंदर से, तो ये फर्मा बरदार भी थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ठीक है मैं जो आप दोनों की बात रख लेता हूँ, दोनों से शादी कर लेता हूँ। और एक ही दिन के अंदर दोनों ने शादी किया, भी अनोखा वाक्य है दुनिया के अंदर कि एक वक्त के अंदर दो शादियाँ इन्होंने की, कि ताकि जो है फर्मा बरदारी इन्होंने उसमें की। इसी तरह जो इनके वालिद ने इनसे कहा कि बोलो तोहफे में तुम्हें क्या चाहिए, तुमका निकाह हो गया, मैं तोहफा देना चाहता हूँ, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तोहफे के अंदर एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप लाइब्रेरी के लिए एक फ़ंड दे, एक ज़मीन दे, और वो जो मुझे फ़ंड दे तो मैं कायम करना चाहता हूँ। इन्होंने लाइब्रेरी को कायम किया। अंग्रेज़ों ने जब इनकी लाइब्रेरी को खोला, उसके अंदर कई हज़ार उसके अंदर किताबें मिली, और मेन स्क्रिप्ट मिले हैं। मेन स्क्रिप्ट बहुत कीमती होते हैं, जो पुराने ज़मानों के लिखे हुए होते हैं, एक एक पीस ही होता है वो, जो इनके पास में कई हज़ारों की तादाद में इनके पास में थे। और अंग्रेज़ जो है बहरहाल उसको पूरा का पूरा इनसे जो इनकी जो है वहाँ से यहाँ से ले गए, आज भी उनके पास में मौजूद है, उन्होंने रख रखे। इसी तरह उन्होंने खुद ने 40 किताब इन्होंने लिखी, या 40 किताबों को इन्होंने लिखवाई है, और वक्त नहीं था, उसके बाद भी हम देखते हैं 40 किताबों को इन्होंने लिखा है, और आज भी इनकी किताबें सारी जो मौजूद है, और आज भी अगर जाते हैं उनसे फोटोकॉपी भी अगर मांगे तो लाखों रुपये लाखों पाउंड ही हमसे लेते हैं, तो आज भी इन किताबें मौजूद हैं। अंग्रेज़ों ने जो है सब लूट कर यहाँ से चले गए। तो लूटा किसने यहाँ पर, असल अंग्रेज़ों ने लूटा है। लोग कहते हैं कि साहब इन्होंने बादशाहों ने लूटा, तो ये मुसलमानों ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि यहाँ से, हम चाहे कब से देखें, जब से यहाँ पर मुस्लिम सल्तनतें आई हैं, तब से जब गुलाम वंश जब से आया 1100 में से हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद से लोग आते गए, यहाँ से बाहर नहीं गए। आप देखें उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके महल यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर लूट कर आता है तो आदमी क्या यहीं पर, वहाँ भेजेगा किसको, वहाँ पर वो किसके लिए भेजेगा? तो हम देखते हैं कि चाहे मुग़ल हो, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, जो भी मुस्लिम बादशाह यहाँ पर आए, तो लूटने का मामला किसी का नहीं लगता। हाँ, वो एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि पहले निज़ाम यही था कि सब अपनी बादशाहत को, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ा करते, सल्तनत को बढ़ाते थे, वही नियम था पहले।
ये तो बाद में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही नियम बना कि अब जिस जिसकी बॉर्डर है उसको उन्होंने सबने खींच लिया, लेकिन पहले यही नियम था, वही कुछ हुआ करता था। तो ये जो है इस बात की गवाह, ये कब्रें और ये महल ये सब, और इनके यहाँ पर हमारे जितने अजायब घर बने हुए जहाँ पर इनके एक एक चीज़ें मौजूद है, इनकी तलवारें, इनकी कटारें, ये इस बात के सबूत है कि मुसलमान यहाँ से कभी लूटने के लिए नहीं आया, यहीं पर बसने के लिए आया था और इसी ज़मीन के अंदर दफन है वो, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और आज भी मुसलमान मरता है तो वो कब्र में दफन होता है जहाँ पैदा होता है। तो मुसलमान ने कभी गद्दारी भी नहीं की और मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर बरोबरी से हिस्सा लिया है। और ये बात हम नहीं कहते, यहाँ के जो मोर्रकिन इतिहास लिखने वाले कई लोगों ने इस पर PhD किए। टीपू सुल्तान के बारे में आज जो मसले उठाए जाते हैं, जो बात उठाई जाती है कि ये जो है मुस्लिम जो है हिंदू विरोधी थे, तो उनके ताल्लुक से हम देखें कई हज़ार लोगों ने PhD किए, डॉक्टरेट किए इसके मामले में, जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में खोजबीन करके अपनी जो डॉक्टरेट कम्प्लीट किया है, कई किताब लाइब्रेरी में आपको जाकर मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, वो इस बात की कई जो है इसके अंदर गवाही है। और अगर ऐसा होता भी तो हम ये देखेंगे हिस्ट्री के अंदर 1100 से लेकर यहाँ तक, अगर आखिरी बादशाह हम देखें बहादुर जफर तक, इतने जो है उसके अंदर सैकड़ों बादशाह हुए। और इसके अलावा जो आसपास जो सल्तनत टीपू सुल्तान, हैदर अली और जो भी मुख्तलिफ नवाबों की सल्तनतें रही है, तो उसके अंदर एक तो वाकया मिले जो भले किसी ने लिखा हो, गैर मुस्लिम ने लिखा हो कि किसी ने किसी बादशाह के खिलाफ लोगों ने बगावत की हो, एक वाक्य के मोहताज है, एक वाक्य नहीं मिलता पूरी हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि बगावत तो करता ना कोई, अंग्रेजों के खिलाफ कितनी बगावत हुई, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बादशाहों के खिलाफ बगावत नहीं हुई। बगावत इस बात का ये है कि किसी ने बगावत नहीं की, किसी ने उस बात को उठाया नहीं। तो आज जो उठाया जा रहा है पूरा का पूरा राजनीति, लोग अपना चाहते हैं, इसलिए लोगों को आपस में फिर के करा कर उनके दिनों के अंदर झेर गोल कर एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, अपने जरा से फायदे के लिए लोगों का खून बहाना चाहते हैं। तो ये मैंने जो इसलिए इसके अंदर जो है इस चीज़ को रखा ताकि जो है ये हमारा एक नेशनल डे आने वाला है, तो उसकी वजह से हम इसको जानें और लोगों तक हम इसको पहुँचाएँ कि इसी उसके अंदर वो नहीं है। और नफरत जो लोगों ने डाली है, जो हिस्ट्री में चीज़ें मौजूद है, नई हिस्ट्री बदली जा रही है, उसको लिखा जा रहा है, तो उसकी बदलने की कोशिश नहीं करें। और मैं जो है लोग इस तरह के जो लोग ये काम करते हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो इस चीज़ों को पढ़ें, पहले पढ़े, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। सुन सुनकर आप जाते हैं और सुन सुनकर आज जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, सुन सुनकर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो मेरी भी उनसे अपील है कि वो जो है इस चीज़ों को पढ़ें, इसकी जो है पहले जाएं हिस्ट्री के अंदर, उसके बाद कोई फैसला लें। कि हमारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे हमारे बुजुर्ग एक रहा करते थे, और आज हमारे बीच नफरत की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मज़हब को, हमारे दीन को, हमारे धर्म को एक दूसरे को हम शेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। हम अपना धर्म अपने पास लेकर बैठ गए, मुसलमान बैठा ये हमारी किरान, हमारा अल्लाह है, हमारी किताब है, हमारे नबी है, और अपने इसको जो है अपनी जो है भभूति बनाकर बैठ गया, वो शेयर नहीं करता। तो शेयर नहीं करने से क्या होता है? गलतफहमी होती है कि भाई छुपा क्यों रहा है, तो शेयर करें। और हम आज देखते हैं कि पहले के लोग जो है कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी वो आपस में मिलकर रहते थे। आज लोग ज़्यादा पढ़े हैं, आप देखिए आज ज़्यादा लोग पढ़े हैं। हम एक दिन चार लोगों में से हम पूछे तो आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा, इसने BEd किया है, ये ग्रेजुएशन इसने किया है, ये इतनी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ाई पहले से मुकाबले आज ज़्यादा क्यों हो रही है? इसकी वजह यही है कि हम एक दूसरे को अपने मज़हब की बातें शेयर नहीं करते, लोग जानते नहीं। तो लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं वो अपने हिसाब से उसको मिसकोट करते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो हमको इसमें जानने की ज़रूरत है, और मुसलमान भी इस चीज़ को याद रखें, अपनी हिस्ट्री को जानें और लोगों को इसको बयान करें, बताएं कि अपने आबा उजदाद को आप बुला लेंगे तो फिर ये भुला देंगे, तो फिर जो है आप ये लोग उसके साथ मिट जाएंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा कि अब ना समझे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, अब ना समझो तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, वो तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्ता ना होगी। वाखिरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।